हेलो बच्चों, कार्तिक इज ऑल्सो एंटर्ड। कॉल कर दो सबको जो जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा। एंड वी आर स्टार्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। आईडीपीटी 3 करनी है हम लोगों को। पीकेपी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलामीन। जिसका पीकेबी ज्यादा होता है मतलब उसका बेसिक कैरेक्टर कम है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन है कि एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर कम है किससे? मिथाइल एमीन से। व्हाई? आंसर इज जो CH3 है प्लस आई इफेक्ट शो करता है और नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स देता है जिससे उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। एनिलीन में जो बेंजीन की रिंग है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर होती है जिससे ये इलेक्ट्रॉन छीन लेती है। इसके कम हो जाएंगे और बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा। इथाइल एमीन इज सोल्यूबल इन वाटर बट एनिलीन इज नॉट। एनिलीन में 6 कार्बन्स होते हैं और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है बिकॉज ये वाटर हीटिंग होता है, राइट? और इथाइल एमीन में कितने कार्बन्स होते हैं? C2H5NH2। इट विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है इसमें, राइट? सी क्वेश्चन है मिथाइल एमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जब हम मिथाइल एमीन को वाटर में डालते हैं तो ये बनाता है CH3NH3 प्लस OH नेगेटिव आयोन्स। द क्वेश्चन इज जब इसमें हम फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो प्रेसिपिटेट मिलते हैं। फेरिक क्लोराइड का मतलब है Fe3+ और ये OH के साथ मिलके बनाते हैं Fe OH होल थ्राइस। फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एक ही बात है। इसके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। सो आंसर है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन लिख के दिखानी अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है तो। तो एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट इट फॉर्म्स मेटा नाइट्रो एनिलीन ऑन नाइट्रेशन। इस क्वेश्चन का मीनिंग है, वेट लेट मी क्लियर ऑल द ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन नंबर डी का क्या मतलब है? ये एनिलीन है, इट शोज प्लस आर इफेक्ट का मतलब है रिशा भी आ गई और एक ये ओके। प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में देगा। कार्तिक, कनिषा, कृष, पार्थ, रिशा, समृद्धि, दे आर प्रेजेंट। एनीवेज प्लस आर इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिससे कि इसका नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का मीनिंग भी पता चल जाएगा अभी। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर और पैरा पर आता है बट ये देखो यहां पर और यहां पर। लेकिन जब इसकी नाइट्रेशन करते हैं हम लोग यानी कि HNO3 डालेंगे, जब हम इसमें HNO3 डालेंगे ऑर्थो और पैरा बनना चाहिए था ना। क्वेश्चन है कि ये मेटा क्यों बनाता है? देखो एनिलीन है, मेटा पर नाइट्रो ग्रुप आता है, यही सवाल है कि क्यों। ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तुम्हें याद होगा हेलो एल्केन हेलोरिन्स में हमने किया था तो ऑर्थो पैरा पे बनता था, ये भी वही बनाना चाहिए। मेटा क्यों बना रहा है? बिकॉज जब तुम एनिलीन में HNO3 ऐड करते हो थोड़ा सा एनिलीनियम आयोन बन जाता है, थोड़ा नहीं लगभग लगभग 50%। ये एनिलीनियम आयोन कहता है भाई मैं तो मेटा डायरेक्टिंग हूँ, इसको बोलता है तू होगा, एनिलीन को बोलता है तू होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मैं तो मेटा डायरेक्टिंग हूँ, दैट्स व्हाई ये मेटा वाला बनता है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। दो एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट इट फॉर्म्स मेटा नाइट्रो एनिलीन ऑन नाइट्रेशन। आंसर है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयोन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। ये क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, ठीक है? ई क्वेश्चन, एनिलीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में वी ऑल नो, जब हम एनिलीन में CH3Cl और AlCl3 ऐड करते हैं, तो AlCl3Cl को भगा के ले जाता है, और जो मिथाइल ग्रुप होता है ये एनिलीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक कर देगा। ठीक है, ये रिएक्शन होनी चाहिए थी बट ये नहीं शो करता। ये क्वेश्चन है, मैंने फ्रीडल क्राफ्ट बता दिया क्या होती है। इसका आंसर ये है कि जो एनिलीन है ना, AlCl3 को बोलता है छोड़ ना CH3Cl को, चला जा हम बॉन्ड बनाते हैं, तो ये उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के बैठ जाता है। जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो मिथाइल ग्रुप अटैक कैसे करेगा, बिकॉज Cl तो कोई ले जाएगा तो ही तो अटैक करेगा। तो आंसर है बिकॉज एनिलीन, यहाँ लिख देती हूँ, बिकॉज एनिलीन मेक्स कॉम्प्लेक्स विद AlCl3 एंड द रिएक्शन विल स्टॉप इन द इनिशियल स्टेप। नेक्स्ट है एफ क्वेश्चन, डाई एजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमीन्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एलिमेटिक एमीन बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। बिकॉज जो डायजोनियम होता है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये रहा मैं बना रही हूँ यहाँ पे, कहते हैं ये स्टेबल है। आंसर है इसका बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, जबकि उसमें नहीं होता स्टेबल। जी क्वेश्चन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी एमीन। ये जो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन है उससे केवल प्राइमरी एमीन क्यों बनता है? पहले हम दोबारा से देख लेते हैं गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन होती क्या है। इसे कहते हैं थैलीमाइड, फिर इसमें आप के ओ एच डालोगे तो आपको मिलेगा एन के, आप डालेंगे CH3Cl, के की जगह CH3 आ जाएगा लाइक दिस, एंड दिस अपॉन हाइड्रोलिसिस यहां से ब्रेक हो जाएगा एंड यू विल गेट बेंजोइक एसिड प्लस CH3NH2, प्राइमरी अमीन बनेगा। क्वेश्चन है केवल ये प्राइमरी अमीन ही क्यों बनाता है? आंसर है देखो यहाँ पे एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो एक ही मिथाइल तो एंट्री मारेगा, और जब एक मिथाइल होगा तो प्राइमरी होगा, राइट? सो आंसर है बिकॉज ऑफ वन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन थैलीमाइड। सेम आंसर हमारा 10 ईयर के क्वेश्चंस में भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, हो गया। दिस रिमोट कंट्रोल, अब ये कौन सा बटन प्रेस हो गया भाई, नीचे ही नहीं हो रहा। व्हाट हैपेंड, हो गया फाइनली, पेज अपने आप ऊपर हो गया। सी हम कर रहे थे DPT-3, एंड DPT-3 में ये क्वेश्चन है हमारा, जी वाला हो गया। अब एच पे आ जाओ, एच क्वेश्चन कहता है एमीन्स आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलर मास। देखो एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, एमीन्स लेस एसिडिक लिखा हुआ है, पहली बात तो ये एसिडिक होते ही नहीं है भाई, अल्कोहल से कंपेयर कर रहा है, अल्कोहल तो एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है। तो हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इट कैन डोनेट इजिली, रादर एक एच के आ जाने पर ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एमीन्स आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कार्बाइलामीन रिएक्शन। कार्बाइलामीन रिएक्शन क्या होती है? जब हम एनिलीन या मिथाइलामीन, कोई भी एलिफेट प्राइमरी अमीन ले लो, इट इज रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, वी गेट ऑफेंसिव स्मेल कंपाउंड दैट इज फिनाइल आइसोसायनाइड। तुम सोच रहे होगे यहाँ पर तो मैंने NH2 यहाँ लगाया, यहाँ पे यहाँ लगाया, एक ही बात है, एक ही तो लगा हुआ है, कहीं भी लगा दो। सो इट इज फिनाइल आइसोसायनाइड और इट हैज ऑफेंसिव स्मेल, बहुत ऑफेंसिव स्मेल होती है जिसकी वजह से
कार्बाइलामीन भी कहते हैं वैसे इसको हम, इट इज कार्बाइलामीन। सो कार्बाइलामीन रिएक्शन में आप लिखेंगे व्हेन एनिलीन इज रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एनएएच वी गेट फिनाइल आइसोसाइनाइड एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइलामीन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डाई एजोटाइजेशन, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। रिएक्शन क्या है इसकी, मैं इधर लिख देती हूँ, ये देखो, डाई एजोटाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट फ्रॉम एनिलीन विद HNO2 एट टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री C। बाय द वे HNO2 का नाम है नाइट्रस एसिड और ये आता कहाँ से है, NaNO2 प्लस HCl के कॉम्बिनेशन से आता है। आप ये दोनों भी ऐड कर सकते हो, खाली HNO2 भी लिख सकते हो। ये देखो N2Cl की फॉर्मेशन को ही बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज डी एमिनेशन। डी का मतलब होता है बाहर निकाल दो, रिमूवल ऑफ। एमिनेशन का मतलब होता है एमीन्स को बाहर निकाल दो। कैसे निकाले, लो ये जो N2Cl बना हुआ है ना, इसी में आप डाल दो H3PO2 और यू कैन ऐड मिथेनॉल, आपका ऊपर से अमोनिया साफ हो जाएगा, यू विल गेट ओनली बेंजीन। नेक्स्ट इज राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी एमीन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ हमें एनिलीन की रिएक्शन और मिथाइलामीन की रिएक्शन लिखनी है, सो हाउ टू राइट डाउन, यही लिख देती हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन, RNH2 इज द प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, आप इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करो, सीधा अल्कोहल बनेगा, बिकॉज अनस्टेबल बनता तो है अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड, लेकिन दैट इज वेरी अनस्टेबल, तो अल्कोहल बनेगा सीधा, बना सकते हो आप। एरोमेटिक एमीन्स के साथ कहता है क्या बनेगा, लो हमने एनिलीन ले लिया, ये NH2 है, वी टुक HNO2 ऑल्सो 0 डिग्री टू 5 डिग्री C एंड वी गॉट वॉट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस प्रोडक्ट। इन केस ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक एमीन वी आर गेटिंग डायरेक्ट एल्कोहल, बट इन दिस केस वी आर गेटिंग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। वाई, दिस वॉज द सेम क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड कि वाई इट इज स्टेबल, बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए टिक जाता है, वो टिकता नहीं है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाई प्राइमरी एमीन्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी एमीन। देखो प्राइमरी एमीन की शक्ल गौर से देख लो, इट इज हैविंग टू हाइड्रोजन्स एंड टर्शियरी एमीन हैज नो हाइड्रोजन। ये एक RNH2 का मॉलिक्यूल और एक RNH2 का मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं, एच बॉन्डिंग दिखाते हैं, बट इसमें तो एच ही नहीं है, टर्शियरी में तो एच बॉन्ड कहाँ से होगा। टर्शरी एमीन में बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, और इसमें टू हाइड्रोजन होने की वजह से एच बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। व्हाई एलिफेटिक एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक एमीन्स। जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं वो एरोमेटिक एमीन से स्ट्रॉन्गर बेस क्यों होते हैं, उसका रीजन सुनो। एलिफेटिक एमीन्स में आर जुड़ा होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होता है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मोर बेसिक हो जाएगा। बट एनिलीन में क्या होता है, जो बेंजीन भैया होते हैं हमारे, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो उस पर कम अवेलेबल होंगे, कम बेसिक होगा। दोबारा से, जो एलिफेटिक एमीन्स में एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन नाइट्रोजन ऑफ एमीन, सो मोर बेसिक हो जाएगा। बट एनिलीन में जो बेंजीन की रिंग होती है, इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इन नेचर होती है, जिससे कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, लेट मी क्लियर ऑल द ड्रॉइंग्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन सेज एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी, विच ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन एंड KOH फॉर्म्स अ कंपाउंड सी ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H7N। राइट द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ द कंपाउंड ए बी एंड सी। C6H7N से साफ पता चल रहा है बेंजीन की रिंग है, ना भी पता चले तो पहले लिखा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन की रिंग तो अवश्य होगी अगर मैं ए की बात करूं तो। ठीक है, तुम एक हिंट और देती हूँ,
जब जब ब्रोमीन और क्यूएच के साथ कोई रिएक्शन करेगा ना, पक्का उसके ऊपर एमाइड ग्रुप जरूर होगा, क्योंकि ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। कैसे? यहाँ पर जरूर CONH2 लगा होगा, और जिसमें ब्रोमीन और KOH डालने पर तुम्हें याद होगा बीच में से गायब हो जाता है, एंड यू विल गेट एनिलीन। तो आपका सी तो एनिलीन है, बी जो आपका बेंजामाइड है, ए हमारा अंडरस्टूड है, COH है। कैसे अंडरस्टूड हुआ? क्योंकि इसने खुद लिखा है कि अमोनिया और हीटिंग के साथ, अमोनिया और हीटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? CONH2। और ये हॉफमैन ब्रोमामाइट रिएक्शन है। सी का नाम है एनिलीन और बी का नाम है बेंजामाइड एंड ए का नाम है बेंजोइक एसिड, राइट? दोबारा से पढ़ लो, देख लो एक बार, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। एरोमेटिक वर्ड पहले लिखा हुआ है, अमोनिया के साथ हीट करेंगे, फिर बाद में ब्रोमीन और KOH से हमको हिंट मिल जाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड है। अगर ये ब्रोमामाइड है तो एमाइड होएगा ऊपर वाला, अगर वो एमाइड है, अमोनिया डल रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अच्छा, यहाँ मुझे एक बात याद आ रही है, इस चैप्टर में आपको क्या पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना जरा। जिसको ये सीक्वेंस पता है उसको बहुत कुछ पता है। अब इस चैप्टर में कौन कौन सी बात बार बार पूछी जाएगी, ध्यान से देखना। मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ CH3OH का, ठीक है? इसमें आप SOCl2 ऐड कर दो, आपको मिलेगा CH3Cl, ठीक है? क्योंकि OH हटेगा, Cl आ जाएगा, डार्जन रिएक्शन ही तो है ये। इसमें आप डाल दो KCl, तो आपको मिलेगा CH3CN। एक कार्बन इंक्रीज हो गया। यहाँ पे अब तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर वन, आप इसकी रिडक्शन कर दो सोडियम और एल्कोहल के साथ, तो रिडक्शन में क्या होता है, इसको 2H मिलेंगे, 2H इसको मिल जाएंगे, CH3CH2NH2 बन जाएगा। इसमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपको मिलेगा CH3COOH। स्पेशल रिएक्शन है, ध्यान से देखना जरा, ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में कराई थी आप लोगों को, CH3COOH। अब CH3COOH में आप अमोनिया डाल के हीट कर दो तो बन जाएगा CH3CONH2। अब इसमें आप ब्रोमीन और KOH डाल दो, CO गायब हो जाएगा, आपको मिलेगा CH3NH2। अब आप इसमें HNO2 डाल दो, आपको मिलेगा CH3OH। दिखा, यहां से शुरू किया था, यहाँ पे वापस पहुंच गए। इस सीक्वेंस को अगर आप याद रख सको तो आधा चैप्टर तो आपका इसी में ही हो गया। अभी हमारी NCERT में 3-4 क्वेश्चन है जिसमें ये सारा सीक्वेंस अप्लाई होता है। आप हमेशा याद रखना, ये यहाँ से याद रखो, एसिड, अमोनिया और हीटिंग डाला, एमाइड, एमाइड की हॉफमैन करी तो सीधा CO गायब, एमीन मिलेगा, एमीन में HNO2 डाला तो सीधा आपको एल्कोहल मिलेगा। बहुत ब्यूटीफुल सीक्वेंस है। तीसरी बात जो मैंने नहीं बताई वो ये है, साइनाइड में आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दो। एरो के ऊपर या तो यही वर्ड लिखा होगा या लिखा होगा कंसंट्रेटेड HCl या एसिड, तो आपको मिलता है CH3CONH2। अब CH3CONH2 या तो डायरेक्टली ले लो CH3CN से, या फिर पहले इसकी हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनाओ, एसिड में अमोनिया डाल के हीट करके एमाइड बना लो। इस सीक्वेंस का रट्टा लगा लो आप, पेस्टिंग इस चैप्टर में जो है ना बार बार यही आएगा, तो इसको आप नोटबुक पे भी लिख सकते हो। हमारी नेक्स्ट DPT-4 है, लेट मी चेक। हम एक काम करते हैं, सारी की सारी जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और वो है, हम उसको पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है? DPT-4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DPT-4 हम बाद में करेंगे, 3 बहुत है, अभी आप उसको करो, क्योंकि मैंने तो करा दी, आपने भी तो करनी है ना, ठीक है? लो, प्रांशुल अब आ रहा है, हमारी क्लास आधे घंटे में खत्म ही हो गई, फिनिश हो गई। इतना बहुत है, आप लोग DPT-3 करो, DPT-4 में कल कराती हूँ, इधर इन द क्लास, और नहीं तो जूम पे कर लेंगे फिर दोबारा से, है ना? टाइम वैसे तो है, कल तो मेरी क्लास है, ठीक है? सो सी यू ऑल, आज का इतना बहुत है, आप DPT-3 खुद से करो, घर पे करो, आराम से हो जाएगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट। वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी,
किसी को क्वेश्चन पूछना है? मैम वो पिछली ओके वाली ओके स्लाइड ओके, में पार्शियल हाइड्रोलिसिस वाला एक बार बता दो। पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ओके हाँ प्रांशुल, फिर मेरे को तुम्हें बंद करना पड़ेगा, छोड़ना, क्या कर रहा है, छोटे बच्चों की तरह तुम्हारा एनोमेट बंद करना पड़ेगा मेरे को, मत करो ऐसी हरकतें। हाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस किसने पूछा है? प्रांशुल ने पूछा है। आर्यन आर्यन ओके ये देखो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं? साइनाइड में, तुम्हें एक और तरीके से बताती हूँ, CH3CN है, आप इसमें डाइल्यूट एसिड डालो, यानी कि H2O/H का मतलब होता है डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोलिसिस कहते हैं इसको, तो ये बन जाएगा CH3COH, और जो हमारा नाइट्रोजन भैया है ना, ये भी पानी में डुबकी लगाएगा, ये पानी। प्रांशुल बस ठीक है, इट्स ओके। मैम प्रांशुल तो बिजी है, CH3COH ये कोई और है प्रांशुल के नाम से। बनेगा, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है CH3CN में आप जैसे गिन गिन के पानी नहीं, ले एक वाटर मिलेगा तेरे को, हमने ऐसे को ऐसा बोला, तो CH3 जो ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन ले लेगा, और जो दो हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन ले लेगा, लो ले लो आधी अधूरी हाइड्रेशन ले लो तुम हमारी। अगर हमारी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती ना, तो नाइट्रोजन भैया घूमने निकल जाते हैं, और कार्बन भैया बोलते हैं हम तो पानी के साथ रिएक्शन करके COH बनाएंगे, बस ये डिफरेंस है। पार्शियल में हमें एमाइड मिलता है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू आस्क? नो मैम थैंक यू। कार्तिक ने पूछना है कुछ, पूछो बेटा। नहीं मैम कुछ नहीं पूछना। थैंक यू मैम। चलो ठीक है फिर, ओके ओके बाय बाय। गुड नाइट मैम।